EE207 power system first topic name है classification of hydroelectric power plant. ठीक है, तो classification of hydroelectric power plant जो है basically तीन type से कर सकते हैं, according to the extent of water flow regulation available, classification according to availability of water है, and तीसरा है classification according to type of load supply. इन तीन तरीकों से हम हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट को विभाजित करते हैं. तो पहला जैसे आता है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एक्सटेंट ऑफ वाटर फ्लो रेगुलेशन, इसको भी अगेन थ्री पार्ट्स में सब डिवाइड किया है. फर्स्ट है रन ऑफ रिवर पावर प्लांट विदाउट पॉन्डेज, रन ऑफ रिवर पावर प्लांट विद पॉन्डेज, और तीसरा है रिजर्वर पावर प्लांट. ठीक है, तो पहला जैसे हम पढ़ते हैं रन ऑफ रिवर पावर प्लांट विदाउट पॉन्डेज का मतलब ये है कि जैसे हमने डैम के पीछे रिजर्वर और पॉन्डेज को बनाया था, वो पॉन्डेज जो हम नेचुरली और आर्टिफिशियल दोनों टाइप का यूज़ करते हैं, तो इस केस में हम जो है नेचुरली यूज़ करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ये कौन सा नेचुरली हो सकता है, रिवर डायरेक्टली है ना, कोई भी आर्टिफिशियल पॉन्डेज नहीं बनाते हैं, ये रिजर्वर रिवर से ही हम डायरेक्टली पानी को लेते हैं, तो इसको हम बोलते हैं रन ऑफ रिवर पावर प्लांट विदाउट पॉन्डेज, है ना. अगर पॉन्डेज हमने आर्टिफिशियली नहीं बनाया, डायरेक्ट हम रिवर से पानी ले रहे हैं, तो इसको बोलते हैं विदाउट पॉन्डेज, रन ऑफ रिवर प्लांट विदाउट पॉन्डेज. तो इसका मतलब ये है कि ये बेस लोड डिमांड को फुलफिल करता है, और इसको हम तभी यूज़ कर सकते हैं जब रिवर में पानी अवेलेबल हो, तभी हम कर सकते हैं, है ना. तो ये जो लोड कर्व का जो पोर्शन होता है उसमें बेस लोड को ये फुलफिल करता है. अब अगर हम माने कि इस ड्यूरिंग द फ्लो एंड लो लोड पीरियड, मतलब कि पानी तो अधिक है और जो अपना लोड डिमांड है वो कम है, तो इसका कंट्रोलिंग जो है वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि वाटर जो रिवर से जिस फ्लो में आ रहा है उसी फ्लो से आता रहेगा, बट अपना लोड डिमांड कम है तो पानी की आवश्यकता कम है. सिमिलरली अगर अपना लोड डिमांड अधिक है और रिवर में पानी कम है, तो जो फ्लो होगा जिस प्रेशर से हमें चाहिए वो उसका कंट्रोलिंग नहीं हो पाएगा, तो ये इसका ड्रॉबैक हो गया है. इसलिए इसको इतना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है इसको यूज़ करना, है ना, ड्यूरिंग द फॉर वाला भी मैंने बता दिया. तो ये क्या है, ड्यूरिंग द हाई फ्लो पीरियड सच प्लांट कैन बी एम्प्लॉयड टू सप्लाई सस्टेनेबल पोर्शन ऑफ बेस लोड. ये सिर्फ बेस लोड जो है लोड कर्व का उसी को फुलफिल करने के लिए हम काम में लेते हैं. ठीक है, अब बात करते हैं रन ऑफ रिवर पावर प्लांट विथ पॉन्डेज. विथ पॉन्डेज का मतलब ये है कि हमने डैम के पीछे जो रिजर्वर बनाया है, जो आर्टिफिशियल पॉन्डेज हम कंसिडर करते हैं, वो बनाया है जिसमें हम पानी को स्टोर करके रखते हैं, तो टू है ना, तो एट द प्लांट विच मेक इट इज पॉसिबल कोप एंड आर टू आर विथ फ्लक्चुएशन ऑफ लोड, है ना. तो इसका मतलब ये है कि हम आर टू आर घंटे घंटे से हम इसका कोप अप कर सकते हैं कि लोड के अकॉर्डिंग पानी कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए, उसकी कंट्रोलिंग पॉसिबल है इन केस ऑफ विथ पॉन्डेज. और क्या है, जो भी फ्लक्चुएशन आ रहा है लोड का उसको भी कंट्रोलिंग हम कर सकते हैं बाय वीक और सम लार्जर पीरियड डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ पॉन्डेज. पॉन्डेज की साइज के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है. विद द इनफ पॉन्डेज द फर्म कैपेसिटी ऑफ पावर प्लांट इज इंक्रीज. इससे इसकी फर्म की प्लांट की कैपेसिटी जो है वो भी इंक्रीज हो जाती है. सच टाइप ऑफ पावर प्लांट कैन बी यूज ऑन द पार्ट ऑफ लोड कर्व एज द रिक्वायरमेंट ऑफ पीक लोड डिमांड को फुलफिल करने के लिए इसको यूज करते हैं. ठीक है, अब ड्यूरिंग द हाई फ्लो पीरियड द दिस प्लांट मे बी यूज एज बेस लोड. अगर ना अपना जो हाई फ्लो पीरियड है और लोड डिमांड कम है, तो इसको हम एज ए बेस लोड की तरह काम में ले लेंगे, और अगर इसका उल्टा है तो इसे हम पीक लोड की तरह काम में ले सकते हैं. द सच प्लांट फॉर मैक्सिमम कंजर्वेशन ऑफ कोल विद ऑपरेशन कंजक्शन विद द स्टीम पावर प्लांट. ये इसमें इतना वो खर्चा नहीं आता है जिसमें बाकी सारे प्लांट्स में होता है ना. तो इसका ये जो विदाउट पॉन्डेज वाले का जो ड्रॉबैक था वो इस विद पॉन्डेज के साथ में ओवरकम हो जाता है. अब आता है रिजर्वर पावर प्लांट. रिजर्वर पावर प्लांट क्या है, ये दोनों जो पीक लोड और बेस लोड जो थे उसकी जो रिक्वायरमेंट है इस रिजर्वर पावर प्लांट के साथ में फुलफिल हो जाती है. सबसे ज़्यादा जो यूज़फुल टाइप ऑफ पावर प्लांट है हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट, वो रिजर्वर पावर प्लांट ही यूज़ आता है. जैसे कि वाटर इज स्टोर इन बिग रिजर्व बिहाइंड द डैम. ठीक है, इट इज़ पॉसिबल टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर एंड यूज मोस्ट
effectively. Storage increases the firm capacity of plant and it can be used efficiently throughout the year. पूरे साल भर efficiently use कर सकते हैं. Base reservoir बनाने के बाद such plant can be used as base load or peak load, दोनों की तरह use में ले सकते हैं. और इस और जो load curve है उसका दोनों type के curve को ये fulfill कर सकता है. और सबसे ज़्यादा useful प्लांट है जो कि काम आता है. अब आता है सेकंड क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर हेड. अब जैसे वाटर हेड जो हम बनाते हैं डैम जिसको बोलते हैं उसका जो हेड है उसकी उसके अकॉर्डिंग अपन इसको क्लासिफाइड कर रखा है. अब वाटर हेड को जो है वो भी लो हेड, मीडियम हेड और हाई हेड पावर प्लांट के अकॉर्डिंग इसको विभाजित किया है. लो हेड वो होते हैं जो बिलो 30 मीटर्स के लिए डिज़ाइन किया हुआ होता है, उसे हम मीडियम लो हेड बोलते हैं. और जो उसे हम लो हेड बोलते हैं. और जो मीडियम हेड है वो 30 मीटर्स और बिलो 300 मीटर्स का डिज़ाइन करते हैं. और जो लास्ट है हाई हेड जो होता है वो अबाउ 3 मीटर्स के लिए हम कंसिडर करते हैं. तो सबसे पहले हम अगर बात करें लो हेड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की, तो ये जो है ये 30 मीटर्स के हेड का डैम बनाया जाता है. बैक अप द रिवर क्रिएट द फॉल, मतलब वाटर के फॉल के लिए क्रिएट करने के लिए. और फॉलोइंग थ्रू द टर्बाइन रिसेम्बलिंग, ठीक है, द रिवर बिलो द डैम, डैम और बैरेज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस इस रिवर के करीब इसे बनाया जाता है. ठीक है, आइदर वन हाफ ऑफ द बैरेज हैज रेगुलेशन गेट ऑफ डिस्चार्ज फॉर सरप्लस वाटर. सरप्लस वाटर को डिस्चार्ज करने के लिए हमने बैरेज गेट्स बना रखे हैं. ठीक है, तो प्लांट कंस्ट्रक्टेड बाय द साइड ऑफ रिवर के साइड में ही बनाया जाता है. ठीक है, और इस केस के लिए मतलब लो हेड के लिए किस टाइप के टर्बाइन को काम में लेते हैं, वो है फ्रांसिस प्रोपेलर कैल्पन टर्बाइन का हम इसको अंदर प्रयोग में लाते हैं. ठीक है, फिर आता है मीडियम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है. मीडियम हाइड्रो इलेक्ट्रिक जैसे हमने बताया 30 से 300 मीटर के बीच का बनाया जाता है. इसमें टैप ऑफ 4x ऑन द वन बैंक ऑफ रिवर इन केस ऑफ लो हेड पावर प्लांट. फ्रॉम द 4x वाटर इज लेफ्ट टू 4x क्या है ये कि सर्च टैंक और टर्बाइन को कनेक्ट करने के लिए काम आता है थ्रू द पेन स्ट्रोक. इट 4x प्रोवाइड द बिगनिंग ऑफ पेन स्ट्रोक, मतलब वो बिगनिंग की पे 4x जल लगा हुआ था टू सर्व एज अ वाटर रिजर्वर फॉर सच पावर प्लांट. ठीक है, इन दिस प्लांट वाटर इज यूजली कैरिड इन ओपन चैनल ऑफ मेन रिजर्वर. जैसे ये बताया पेन स्ट्रोक जो है क्या कर रहा है यहाँ पे अपने ये टर्बाइन को और 4x को कनेक्ट कर रहा है. 4x क्या है कि मेन रिजर्वर के अंदर जो एक्सेस वाटर होता है उसको फ्लो प्रोवाइड करा के इस 4x में एक्सेस वाटर को स्टोर करके रखता है, जिससे जो एक्सेस वाटर यहाँ पे स्टोर हो जाता है. और जो जो एग्जैक्ट जो फ्लो ऑफ वाटर का चाहिए वो पेनस्ट्रोक के थ्रू टर्बाइन को मूव कराने के लिए हम काम में ले लेते हैं. तो ये डायग्राम किसका, अरेंजमेंट ऑफ मीडियम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का, जिसमें एक रिजर्वर बताया है. ठीक है, हेड रेस जिसमें 4x बनता है पेनस्ट्रोक एक पाइप की तरह है, ये टर्बाइन है, ये पावर हाउस है, ये टेल रेस है जो एक्सेसिव वाटर को आफ्टर स्पेंडिंग वाटर इन टर्बाइन जो है वो यहाँ टेल रेस में स्टोर हो जाता है. ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हाई हेड इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो कि अबाउ 300 मीटर के लिए डिज़ाइन करते हैं. वेयर स्ट्रीम डिस्क्राइब डिसेंडिंग अ स्टीप लिबरल वैली कैन बी डैम्ड एंड सेवरल रिजर्वर फॉर द स्टोरेज ऑफ वाटर फॉर्म. ठीक है, इसमें प्रेशर टनल बनाते हैं बिटवीन रिजर्वर वॉल हाउस एंड एट द सॉर्ट ऑफ पेन स्ट्रोक टू कैरी वाटर फ्रॉम रिजर्वर टू वॉल हाउस. सर्च टैंक क्या है, एक टैंक होता है टू फ्रॉम द टॉप इज बिल्ट टू जस्ट बिफोर द वॉल हाउस से पहले बनाते हैं, जिससे वाटर हैमर इफेक्ट पेन स्ट्रोक कैन बी रिड्यूस द कॉज ऑफ सडन क्लोजिंग ऑफ फिक्स गेट. मतलब जो सडन क्लोजिंग जो फिक्स गेट की होती है उसको रिड्यूस करने के लिए. और सर्च टैंक ऑल्सो सर्व एज ए रेडी रिजर्वर फॉर्म विच टर्बाइन कैन ड्रॉ वाटर टेम्परली वैन देर इज़ ए सडन इंक्रीज इन डिमांड. सडन इंक्रीज इन डिमांड मतलब लो डिमांड बढ़ने पर वो क्या कर रहा है, वाटर को ड्रॉस कर रहा है फ्रॉम रिजर्वर टू टर्बाइन. तो वॉल्व हाउस कंसिस्ट ऑफ मेन स्लोस वॉल्व एंड ऑटोमेटिक एक्सुलेशन वॉल्व्स. ठीक है, ये सब चीज़ें हमने उस कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में पढ़ लिया था. ठीक है, तो फॉर अबाउ 500
मीटर के हेड के लिए हम पेंटल वेस टाइप के टर्बाइन को यूज़ करते हैं, फॉर लोअर हेड के लिए हम फैंसिस टर्बाइन को प्रयोग में लाते हैं। जनरेटर यूज आर ऑफ हाई स्पीड के जनरेटर लगता है इस केस में, और स्मॉलर डायमीटर होता है जनरेटर का। फैंसिस का आर जो होता है उसका लार्जर लेंथ लंबा होता है, और कंपैरेटिवली स्मॉल क्रॉस सेक्शन का होता है, पतला होता है, ठीक है। लंबाई इसकी अधिक होती है, बट जो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है वो उसका छोटा होता है, किस केस में, हाई हेड के केस में। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ लोड सप्लाइड, किस टाइप का लोड हम सप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था अभी के बेस लोड जो है किसके द्वारा हो रहा था फुलफिल लोड करके, इसमें मैंने पढ़ा बताया था रन ऑफ पावर प्लांट विदाउट बॉन्डेज जो है बेस लोड को फुलफिल करता है ना। तो इसमें भी वही है, जो प्लांट विच कैन टेक अप लोड ऑन दिस बेस पोर्शन ऑफ लोड का प्रोसेस इज कॉल्ड द बेस लोड पावर प्लांट। बेस लोड पावर प्लांट उसको बोलते हैं जो लोड करके बेस लोड को के पोर्शन को फुलफिल करता है, उसे हम बेस लोड पावर प्लांट बोलते हैं। सच प्लांट आर यूजली लार्ज कैपेसिटी का होता है, ठीक है, कैप्ट रनिंग के पार्ट प्रैक्टिकली ऑन ब्लॉक लोड, दैट मीन्स द लोड दैट इज प्रैक्टिकली कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। जो थ्रू आउट द वीक और थ्रू आउट द ईयर जो लोड जो होता है वो प्रैक्टिकली कॉन्स्टेंट होता है। लोड फैक्टर फॉर सच प्लांट इज देयरफॉर हाई होता है। रन ऑफ रिवर प्लांट विदाउट फॉन्टेज और रिजर्वर प्लांट आर यूज ऑन बेस लोड पावर प्लांट, जैसे कि मैंने पहले बता रखा है, ठीक है। फॉर प्लांट टू बी यूज बेस लोड प्लांट द यूनिट कॉस्ट ऑफ एनर्जी जनरेटेड बाय द प्लांट शुड बी लो। यूनिट कॉस्ट जो होती है इसकी वो जो होती है वो कम होती है। अब पीक लोड डिमांड जो है विद बॉन्डेज के लिए काम में लेते हैं। अब पीक लोड डिमांड उसे कहते हैं जो लोड कर्व के पीक लोड पोर्शन को फुलफिल करता है, उसे पीक लोड डिमांड प्लांट कहते हैं। ये विद बॉन्डेज के लिए एम्प्लॉयज होता है। इफ बॉन्डेज इज इनफ एंड लार्ज पोर्शन और लोड कर्व कैन बी सप्लाई सच प्लांट है। इफ द वैन रिक्वायर रिजर्वर प्लांट ऑफ कोर्स ऑफ बी यूज एज पीक लोड प्लांट। पीक लोड प्लांट हैव लार्ज सीजनल स्टोरेज, जब वर्षा रेनी सीजन में पानी का स्टोरेज अधिक होता है। दे स्टोर द वाटर ड्यूरिंग ऑफ पीक पीरियड एंड आर ऑपरेटेड ड्यूरिंग द पीक लोड पीरियड, ठीक है। मतलब रेनी सीजन में स्टोर करके रख लेता है, लोड के अकॉर्डिंग उसे यूज करता रहता है। लोड फैक्टर ऑफ सच प्लांट इज लो, ठीक है। इस प्लांट के लिए जो पीक लोड होता है वो लोड फैक्टर जो होता है वो कम होता है। अब लास्ट है पंप स्टोरेज पावर प्लांट फॉर पीक लोड, ये एक यूनिक डिज़ाइन है, वी विल डिस्कस इन फर्दर सेक्शन। ओके, थैंक यू।